ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हम आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार आइडियाज जहां पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो आशीष, कहना कि ग्लोबली अब मिले जुले संकेत है, थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिल रही है लगातार 3 दिन की तेजी के बाद। अगर आप देखें तो यूएस के मार्केट्स थोड़े बहुत थकते हुए नजर आए थे। वैसे भी मेरे ख्याल से आज उनका आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, शायद कल से, शायद वो तो छुट्टी पे चले जाएंगे 1-2 दिन के। और उसके पहले देखिए किस तरह की सुस्ती आपको यूएस के मार्केट्स में देखने मिली। कुछ हद तक सुस्ती जो है यूरोपियन मार्केट्स में भी थी, लेकिन वहाँ मिला जुला रुझान था। कुछ मार्केट्स वहाँ पे हरे निशान में बंद हुए, कुछ लाल में। देखिए फुटसी और कैक्स हरे निशान में बंद हुआ, डैक्स लाल निशान में बंद हुआ। सुबह सुबह जापान के मार्केट जो है वो थोड़े गिरे हुए हैं। एसजेक्स निफ्टी हरे निशान में है, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है। तो संकेत अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको मिले जुले संकेत देखने मिलेंगे। कहीं कहीं मुनाफा वसूली है, कहीं कहीं फ्रेश वाइंग भी देखने मिल रही है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट संकेत ये है कि 14,000 के पास आप पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां जाके थोड़ा बहुत ब्रेक ज़रूर लगेगा, और वही एसजेक्स निफ्टी आपको दर्शा रहा है। 13,973 पे देखिए काफ़ी लंबे समय से 970-980 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, और मेरे ख्याल से इस लेवल को पार करना ना काफ़ी कठिन होने वाला है आज। तो हो सकता है कि शायद आपको एक गैपअप मिले थोड़ा बहुत 40-50 पॉइंट के आसपास का, लेकिन वहाँ कितना टिकेंगे, क्या उसको सस्टेन करेंगे, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो थोड़ी सुस्ती है, हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आपको देखने मिल सकती है। बिल्कुल, आज के जो संकेत है थोड़े से कंफ्यूजिंग, थोड़े से मिले जुले नजर आ रहे हैं, लेकिन इस ट्रेंड को वेरीफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले बताइए स्टॉक में बिकवाली कितने कर रहे हैं आप? बिकवाली 4 है, 4 और 6 खरीदारी। अब 4 बिकवाली कुछ खबरों के चलते हैं। बेसिकली मार्केट को लेकर इतना पेसिमिज्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ खबरें ऐसी है जिनके चलते हो सकता है कि कुछ बिकवाली के आपको काउंटर्स देखने मिले। मेरे टीम में 4 है, आप में? चलिए सिर्फ 2 स्टॉक मेरे पास ऐसे हैं जहां पर बिकवाली मैं कर रहा हूं, और इनफैक्ट काफी दिनों के बाद हमारी दोनों की सूची में इतने स्टॉक जो है बिकवाली का है, जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। पहली कैटेगरी होती है कैश का शेयर, और यहां पर मैंने चुना है गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर। ट्रिसल पैटर्न बना हुआ है पूरे डेली चार्ट पर, वीकली और मंथली चार्ज भी काफी ज्यादा एनकरेजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर भी बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। 91 की क्लोजिंग है, 95 कंजर्वेटिव लक्ष्य, ध्यान में रखकर खरीदारी करेंगे। पार निकल गया तो हो सकता है कि यहाँ से एक मैराथन तेजी आपको देखने को मिले। 89 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो कैश में आपने गोकुलदास एक्सपोर्ट लिया है, मैं कैश में ले रहा हूँ स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें ना आशीष, बेसिकली ये फंडामेंटल से ज्यादा एक टेक्निकल पिक है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ एसटीसी और एमएमटीसी, ये दो काउंटर्स है, इनमें जम के खरीदारी देखने मिल रही है। कल भी एसटीसी 5% के आसपास की तेजी दिखा रहा था, इसके पहले भी अगर आप देखें तो करीब 73 के लेवल के आसपास से इस काउंटर में तेजी देखने मिली, और लगातार काउंटर तेजी में है, और करीब 6 रुपये के आसपास की तेजी इस काउंटर में आ चुकी है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट जो है इन दोनों काउंटर्स में आपको होते हुए दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में, और इसके लिए इन काउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है। ये मोमेंटम जो है वो आज भी जारी रह सकता है इस काउंटर में, इसके लिए आपको यहाँ 82.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 80 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि लगातार चला है, हो सकता है कि यहाँ से गिर भी जाए। अगर आज मुनाफा वसूली आई ना तो कल स्टॉक में फिर आपको तेजी देखने मिलेगी। इस तरह का ट्रेंड इस काउंटर में आपको देखने मिल सकता है, इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए 82.5 के लक्ष्य के लिए। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी, और आशीष यहाँ पे मैं बिकवाली कर रहा हूँ। और बेसिकली जो मेरे बिकवाली के काउंटर्स हैं ना उसमें से 2 बैंकिंग काउंटर्स है। दरअसल RBI की एक रिपोर्ट आई है, और इन्होंने कहीं ना कहीं कोविड के बाद बैंक्स के लिए काफ़ी सारी चैलेंजेस जो है उसको हाईलाइट किया है। और सबसे पहली बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो बैंक्स के NPA में अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको शायद बैंकिंग काउंटर्स के जो ओवरऑल बुक्स है उसमें स्ट्रेस जो है या फिर जो NPA जो है वो बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग जो है उसको हाईलाइट किया। हालांकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मैंने इसके लिए नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी इतनी कुछ चली नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बैंकिंग काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। और RBL बैंक वैसे भी एक हाई बीटा काउंटर है, तो यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 225 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा, 236 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा स्पॉइलर रह सकता है इस रिपोर्ट के चलते, देखना होगा कितना इम्पैक्ट होता है। ये एक हाई बीटा काउंटर है जहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए फ्यूचर्स में मैं एक डिफेंसिव काउंटर डाबर के साथ जाना चाहूंगा। दरअसल काफी बार मैंने स्टॉक की चर्चा की है, पूरा पैटर्न स्ट्रक्चर जिस तरीके का बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक लगातार आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे। डाबर वैसे भी अगर आप देखें तो बाजार में अगर हल्का सा करेक्शन या फिर साइडवेज मूवमेंट आता है तो जो डिफेंसिव प्लेज हैं वो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। ऐसे में मैं मान रहा हूँ कि डाबर के फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला लक्ष्य होगा 550 रुपये का, हो सकता है कि 550 आज या कल में आपको आते हुए दिखे। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है 519 रुपये का।
अगली जो कैटेगरी है वो भी एफएनओ स्पेस है, वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर करना चाहूंगा मैं भिकवाली अशोक लेलैंड में। दरअसल अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब तेजी जो है थोड़ी सी मुश्किल होगी। हालांकि गिरावट या फिर साइडवेज मूवमेंट की जो संभावना है ज्यादा है, यानी अपमूव जो है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बाजार का जो मूड माहौल है थोड़ा सा अगर आपको ओवरवेट नजर आता है, मान रहे कि ओवरबॉट हो गया है, तो आप बिकवाली कर सकते हैं अशोक लेलैंड में। और वैसे भी एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीबी साइकिल जो है कहीं ना कहीं रिवाइवल की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखा नहीं जा रहा। काफी सालों से हम देख रहे थे कि वहां पर स्लो डाउन है, अचानक से इकोनॉमी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि आप समझ लीजिए, आपको कुशल बता सकते हैं क्या परिवर्तन हुआ कि सीबी अचानक चलने लगा। एग्जैक्टली निचले स्तर से 40 रुपए से 90 रुपए हो गया अशोक लेलैंड, कहीं कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन दिखा नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है फंडामेंटली भी, और टेक्निकली भी कहीं ना कहीं आप देखिए थोड़ा सा एग्जॉस्टन नजर आ रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एट द मनी, क्योंकि देखिए एक्सपायरी आ चुकी है तो आपको एट द मनी ही रहना है, इन द मनी ही रहना है। 95 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे, 1 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, 1 रुपए 80 पैसे पहला टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना है 70 पैसे का। चलिए तो ऑप्शन में मैं एक बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, बिकवाली है यहाँ पे बंधन बैंक में, यहाँ का पुट ऑप्शन जो है वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये जनवरी सीरीज का पुट ऑप्शन है, दिसंबर सीरीज का नहीं, ये आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बैंकिंग काउंटर आज थोड़े फोकस में रह सकते हो, थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, जो हाई बीटा बैंकिंग काउंटर्स है उनमें आपको दबाव देखने मिलेगा। और आशीष इनका तो माइक्रो फाइनेंस का भी धंधा है, तो अगर आरबीआई कहता है कि स्ट्रेस देखने मिल सकता है बैंक्स के बुक्स पे, तो उसमें जाहिर सी बात है जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए 410 का जो पुट ऑप्शन है उसको आज खरीद के चलिए, 27 रुपये के लक्ष्य के लिए 20 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए ये जनवरी सीरीज का पुट ऑप्शन है, दिसंबर सीरीज का नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है टेक्निकल कॉल, और देखिए आज एक टेक्निकल कॉल है वो है टेक महिंद्रा पे, और आशीष ये कंसेंसस है। आज मैंने काफ़ी सारे लोगों के मुंह से सुना है कि टेक महिंद्रा जो है वो काफ़ी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है। इनफैक्ट मैं भी चार्ट देख रहा था तो मुझे भी यही नजर आया कि टेक महिंद्रा जो है वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जो है वो देने के कगार पे है। ऑलमोस्ट हमेशा लाइफ हाई पे तो ये काउंटर वैसे ही चल रहा है, मेरे कैसे ये जो लाइफ हाई का सिलसिला है ना इस काउंटर में आगे भी आपको जारी रहते हुए दिखाई दे सकता है। 990 के टारगेट के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है, 955 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1000 रुपये के टारगेट भी मैं दे सकता था, लेकिन 1000 रुपये फिर वही होता है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से वापस आएगा ये काउंटर इतना तो पक्का है। इसके लिए 990 आएगा तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है। चलिए टेक्निक पिक में भी मैं बिकवाली करना चाहूँगा एनटीपीसी में। दरअसल अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो आपको आर्ली चार्ट पर खासतौर पर एक बढ़िया हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न विजिबल आएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक 93 रुपये तक फिसल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है। इसके लिए आप फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे यहाँ पर, हो सकता है कि आप अपनी जो पोजीशन है इसे रोल ओवर करते हुए नजर आएँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा तो समय लगेगा, स्टॉक इतना ज़्यादा अग्रेसिव है नहीं, इतना हाई बीटा नहीं है नेचर में, तो करीब 99 के आसपास है, 93 तक जाने में लगभग एक हफ्ते तक का समय लग सकता है। फ्यूचर्स में यहाँ पर बिकवाली करेंगे, पोजिशनल बेसिस पर 93 रुपये का लक्ष्य होगा, होल्ड करेंगे आप जो शॉर्ट पोजिशन है। चलिए तो चार चार पिक्स हम आपको बता चुके हैं, और चार में से मेरे ख्याल से आशीष दो दो पिक बिकवाली के हो चुके हैं, राइट। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, टेक्नो पिक तो हमने डिस्कस कर ली, अगली कैटेगरी जो है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने थोड़ा जो कल का स्टॉक है ना वो रिपीट किया, ग्रीव्स कॉटन। इस स्टॉक को मैं जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। दरअसल कल देखें तो करीब 2% की ही तेजी आई थी, मैं बड़ा उछाल यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी और तेजी होगी, तो वीकली 50 जो मूविंग एवरेज है वहाँ के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस के आसपास की बिल्कुल क्लोजिंग चल रही है, 86 से लेके 89 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। और वरुण जिस दिन इसने 89 अच्छे वॉल्यूम के साथ पार कर लिया, आपको बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और फिर एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी, 115 रुपये तक के स्टॉक जाएगा। 3 महीने का व्यू बना के चलना है, मैं मान रहा हूँ कि इन विदिन 3 मंथ्स यहाँ पर 115 तक के लक्ष्य देखने को। नहीं तो रिपीट क्यों किया, कन्विक्शन ज्यादा है या स्टॉक नहीं मिला, रीजन क्या है? देखिए दोनों चीज है, पहली वाली ज्यादा है, कन्विक्शन ज्यादा है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगला बताइए। अच्छा चलिए अगला मैं ही बता देता हूँ, राइट। फंडामेंटल मेरा नंबर है, तो फंडामेंटल स्टॉक जो मुझे पसंद है ये भी मैंने भी रिपीट किया है, लेकिन मैंने आपको मंडे को बताया था और फिर आज वापस बता रहा हूँ, और ये है हीरो मोटोकॉर्प का। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरे हफ्ते जो ऑटो कंपनीज है वो काफ़ी फोकस में रहने वाली है, ऑटो नंबर्स आएंगे उसके चलते ये कंपनियाँ फोकस में रहेंगी। और आपको याद होगा हीरो मोटोकॉर्प ने अपने जब दिवाली सेल्स के आंकड़े घोषित किए थे उस टाइम पर कहा था कि इन्वेंट्री जो है वो सबसे निचले स्तरों पर पहुँच गई है, और उसके बाद आपने देखा था किस तरह से हीरो मोटोकॉर्प में तेज़ी देखने मिली थी। मंडे को मैंने आपको 3050 के लेवल के आसपास एक काउंटर बताया था, 3073 के आसपास ऑलरेडी ये पहुंच चुका है,
23 रुपए की रैली दिखा चुका है और मैंने आपको तभी भी कहा था इस पूरे हफ्ते इसको होल्ड कीजिएगा। अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे बने रहिए। 3130 के टारगेट के लिए आपको अप्रोच करना है, 3050 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आज के लिए तो दे रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कल भी इसको रखेगा, परसों भी इसको रखेगा। अगर एग्जिट करना है तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, उसके पहले इस काउंटर को आपको होल्ड करके चलना है। इंट्राडे में 3130 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो काउंटर मुझे पसंद आता है वो है एशियन पेंट्स का। देखिए आशीष, अब ये काउंटर चला, उसके बाद 2200 आया, 2300 आया, इसके पहले मुझे याद है मैंने 2000 के लेवल पे आपको 2200 के आसपास के टारगेट दिए थे, उसके बाद भी टारगेट देते गया लगातार। लेकिन एक बार जब 2300-2400 के आसपास आया था, मुझे लगा था कि बस यहाँ एग्जॉस्ट हो गया, शायद इसके आगे ये काउंटर जाएगा नहीं। लेकिन जिस तरह का अपमूव इसने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है और 2700 के लेवल जो है ये काउंटर ऑलरेडी छू चुका है। फंडामेंटल तो देखिए इस काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है, रूरल स्टोरी है, ये सब इस काउंटर के लिए प्ले हो सकती है। और याद रखिए अब तो बजट आ रहा है और बजट में माना जा रहा है कि रूरल के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी। और उसके चलते वैसे भी जितने रूरल फोकस या फिर जितने कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है ना, अगले एक महीने में उनमें आपको एक बेहतरीन अपमूव देखने मिलेगा। काफ़ी सारे स्टॉक से जो ले सकता था मैं, लेकिन टेक्निकली भी मैंने इस काउंटर को देखा और जिस तरह का अपमूव ये दिखा रहा है, मुझे लगता है ये अपमूव जो है आगे भी जारी रहने वाला है। बहुत जल्द ये काउंटर आपको 3000 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन मैंने आपको फिर भी 4 महीने का लक्ष्य दिया है। 4 महीने में काउंटर आप देखिए 3000 के लेवल ज़रूर दिखाएगा। और ज़्यादा कन्विक्शन तो मुझे ये है कि बजट के पहले ये काउंटर आपको 3000 का लेवल दिखा सकता है। यहाँ निवेश करके चलिए, 300 रुपये के ऊपर के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। आशीष आप बताइए। देखिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा रैलिस इंडिया, और यहाँ पर दरअसल अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर एक बहुत बेहतरीन, बहुत पिक्चर परफेक्ट एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम में ये इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर एक निचले स्तरों पर लगातार अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। अब जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और इस सेक्टर में भी अगर आप देखें, क्योंकि एग्री सेक्टर पूरा ऐसा है कि आज तक यहाँ पर रिफॉर्म्स अभी तक हो रहे हैं, इतने साल हो गए आज़ादी को लेकर, इतने अभी भी जो रिफॉर्म्स हैं वो बरकरार हैं। और इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि आगे जाकर इस सेक्टर में आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। रैलिस इंडिया, इसको आप अपनी फोकस लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। 1.5 साल का व्यू बनाएंगे तो लगभग 80-90% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 280 की क्लोजिंग है, 413 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, केवल 1.5 साल का आपको व्यू देना है। चलिए जो अगली कैटेगरी है उसकी ओर रुख करते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर खरीदारी वाला स्टॉक मैंने चुना है ITC। ITC को देखिए चुनने का कारण ये है कि सबसे पहली बात कि निचले स्तरों से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिखा है, टेक्निकल स्ट्रेंथ अभी भी इसमें बढ़िया नजर आ रही है। और एक खबर भी आती हुई दिखी कि एक बड़ा जो ओवरहैंग रहता है ITC पर कि लगातार कि सरकार इसमें अपनी जो करीब 9% के आसपास की जो हिस्सेदारी है उसकी बिकवाली करेगी। आज कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी पढ़ रहा था जहां पर ये माना जा रहा है कि सरकार अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं कर रही है ITC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की, घटाने की। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये एक बड़ा ओवरहैंग है जो ITC पर ख़त्म होते हुए नजर आएगा, और फिर जो इसके एक्चुअल फेयर वैल्यूएशन है वो प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे। मैं मान रहा हूँ कि इसका जो बेनिफिट है आप इंट्राडे बेसिस पर भी उठा सकते हैं, 218 रुपये तक की जाने की उम्मीद है। वैसे ITC इतना चलता नहीं है, उम्मीद जरूर है कि खबर क्योंकि बड़ा ओवर आएंगे, लंबे समय से प्ले आउट कर रहा है, तो 218 का लक्ष्य होगा, 209 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा ओवर आएंगे इस काउंटर पर यही था, क्योंकि LNT में सरकार ने स्टेक बेचा, उसके बाद एक्सिस बैंक में आपने देखा किस तरह से लगातार स्टेक बेच रहे थे, तो लोग मान रहे थे कि हो सकता है ITC में भी बेचे और काफ़ी सारा पेपर जो मार्केट में आ सकता है, उसके चलते दबाव था। लेकिन देखिए उसके बावजूद स्टॉक ने परफॉर्म किया है और मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। मुझे तो आशीष लगता है 240-250 कहीं नहीं गया, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है डेफिनेटली। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि खबरों के चलते कौन सा स्टॉक मुझे पसंद है। तो ये है JSL हिसार, ये तो हमने पहले भी हाईलाइट किया, राइट, मालामाल वीकली में हाईलाइट किया, वीकली वाला स्टॉक है, मालामाल वीकली वाला स्टॉक है। तो कन्विक्शन तो वैसे भी इस काउंटर को लेकर है, और वैसे भी अब खबर यह आई है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया है इस काउंटर को विलय के लिए, बोर्ड का अप्रूवल मिला। इनफैक्ट JSL हिसार और JSL के बीच में जो विलय होना है उसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो फाइनली एक जो विलय है इस कंपनी का होगा और बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जो रेशियो है JSL के हर 100 शेयर पे JSL हिसार के 100 शेयर पे JSL के आपको 195 शेयर मिलेंगे, तो वो अगर कैलकुलेशन भी आप करें ना तो कहीं ना कहीं 5% के आसपास का अपसाइड जो JSL हिसार में बनता है। इसके चलते आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। ये जो बोर्ड की मंजूरी मिली है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसके चलते 153 के लक्ष्य लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए। लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रखना है 146 के आसपास, ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस मैं नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग ये खबर फैक्टर इन करके चल रहे हों
तो हो सकता है इसमें गिरावट हो, लेकिन मुझे लगता नहीं 153 का लक्ष्य आज आपको ये काउंटर जरूर दिखाने वाला है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, आखिरी कैटेगरी है माय चॉइस और इसमें पहला स्टॉक होगा मेरा सेरा सैनिटरी वेयर। यहाँ पर देखिए लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। इंडिकेटर ये इशारा कर रहे हैं कि तेजी अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से अक्यूमुलेशन आपको डेली और वीकली चार्ट पर देखने को मिला है, स्टॉक को आप तुरंत अपनी फोकस इसमें शामिल कर लीजिए। 3625 का इंट्राडे लक्ष्य होगा, खरीदारी करेंगे 3396 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। यहां पर भी जिस प्रकार के वॉल्यूम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लगातार हम तेजी देख रहे हैं। साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स हैं वो इशारा करते हैं कि स्टॉक लगातार नए हाईस के पास ट्रेड करेगा। 1550 रुपये का पहला लक्ष्य होगा, पार हो गया तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको और भी तेजी देखने को मिले। 1490 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में AB फैशन। इस स्टॉक को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के बाद अब ये स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत दे रहा है। हालांकि पिछले दो दिन से अगर आप देखें तो ट्रेडिंग रेंज काफ़ी छोटी रही है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से अगर वॉल्यूम्स पिकअप होते हैं तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। इंट्राडे लक्ष्य होगा 170 का, 165 की क्लोजिंग है, 153 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो आपने तीनों खरीदारी के कॉल दिए, लेकिन माय चॉइस में मैं दो बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल दे रहा हूँ। जो दो बिकवाली के कॉल है वो है पावर ग्रिड का फ्यूचर्स और ONGC का फ्यूचर। अब यहाँ बेचने की वजह यह है क्योंकि देखिए कल के क्लोज के बाद CPSE की जो रिबैलेंसिंग है वो होने वाली है, उसके चलते पावर ग्रिड में करीब $48 मिलियन और ONGC में करीब $30 मिलियन के आसपास की गिरावट जो सेलिंग है वो आने वाली है। तो उसके चलते देखिए कल भी ये काउंटर दोनों प्रेशर में थे, मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिलेगा। हालांकि प्रेशर को बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रेशर ज़रूर होगा ये याद रखिए। इसके चलते दोनों के फ्यूचर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं पावर ग्रिड 185 के लक्ष्य के लिए, और ONGC का फ्यूचर जो है वो भी आप बेच के चलेगा। 90 का आपको यहाँ पे टारगेट देखने मिल सकता है। दोनों में स्टॉप लॉस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, ONGC में 94 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। और सबसे आखिरी में जो खरीदारी का कॉल है वो है EID पैरी का। देखिए EID पैरी जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल में करीब 2% का हिस्सा जो है वो बेच रही है। 58.5 लाख शेयर जो है उसको बेचा जा रहा है, 800 से 825 के भाव पर इसको बेचा जाएगा। इसके चलते कोरोमंडल जो है वो तो आज प्रेशर में रहेगा, ये बात तो सही है, क्योंकि करीब करीब डिस्काउंट पे है 6% के आसपास जिस पे हिस्सा बेचा जा रहा है। लेकिन इस कंपनी को इस स्टेक सेल से 483 क्रोर्स के आसपास मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल ये कर्ज के भुगतान के लिए करने वाली है। तो इसका फायदा आज इंट्राडे में आपको EID पैरी में देखने मिलेगा। 343 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। तो चलिए हमारी टीम तो पूरी हो चुकी है, फटाफट नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर यहाँ पे HTC में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्यूचर में RBL बैंक को बेचिएगा। ऑप्शंस बंधन बैंक का 410 का जो पुट ऑप्शन है वहाँ खरीदना है 27 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली टेक महिंद्रा का काउंटर जो है पसंद आता है। फंडामेंटली हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 3130 के लक्ष्य के लिए। निवेश करना है एशियन पेंट्स में, अगले कुछ समय में ये आपको 3000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। खबरें हैं JSL हिसार में, इसके चलते यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। वहीं माय चॉइस में पावर ग्रिड के फ्यूचर्स को बेचेगा, ONGC के फ्यूचर्स को बेचेगा और EID पैरी यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 343 के लक्ष्य के लिए। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो है JSL हिसार, क्योंकि बोर्ड ने JSL हिसार और JSL के जो विलय है उसको मंजूरी दे दी है, उसका इम्पैक्ट आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 153 का आपको एक टारगेट रखना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखिएगा 146 का। तो चलिए कैश का स्टॉक है गूगलदास एक्सपोर्ट्स, जाबर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अशोक लेलैंड और NTPC में दिन के दौरान गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्रीव्स कॉटन में ब्रेकआउट की उम्मीद है, निवेश के लिहाज से खरीदे रैलिस इंडिया। ITC में खबरों का असर देखने को मिलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर में खरीदारी करेंगे। ICICI जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। AB फैशन में एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, 170 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है रैलिस इंडिया में, क्योंकि डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो लंबी अवधि का राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। यहां से ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक बहुत जल्द 400 के पार जाएगा। चलिए ठीक है, तो 20 स्टॉक्स की सूची हमने आपको बता दी है, जिसमें से 14 खरीदारी के और 6 बिकवाली के कॉल्स है।